दोस्तों, मेरा नाम है इलियास और आज हम बात करेंगे प्रेशर स्विच के बारे में। इसमें क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं और इसमें क्या चीज़ ख़राब हो जाती है, हम इसमें जानेंगे, इसे खोल के डिटेल में जानेंगे कि उसको जो चीज़ इसकी ख़राब हो जाती है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको खोल लेते हैं। इसमें एक माइक्रो स्विच होता है। इस माइक्रो स्विच में एक पेंच लगा हुआ है। इस पेंच को हम खोल लेते हैं। पेंच को खोलने के बाद में इसको माइक्रो स्विच को बाहर निकाल लेंगे हम। ये हमारा बाहर आ गया दोस्तों। इसमें माइक्रो स्विच ही ख़राब होता है। इसमें एक पॉइंट कॉमन होता है, एक एनो होता है, एक एनसी होता है। और देखें इसके अंदर क्या होता दोस्तों। इसमें भी हमें ये काम करना है कि जैसे हमने रिफाल में करा था कि पहले इसको ओपन कर, मतलब एंटी ग्लॉक खोल लिया था, इसको भी हमें खोलना है क्योंकि हमारी स्प्रिंग जब फुल प्रेशर पर दबी हुई होती है तो हमें वाल्व खोलने में परेशानी आएगी। तो इसके अंदर एक छोटी स्प्रिंग है, एक वाशर है, एक ये बड़ी स्प्रिंग है और एक ये है। अब जो हमारा ये माइक्रो स्विच है, माइक्रो स्विच के अंदर जो ये बटन होता है ये हमेशा दबा हुआ रहता है। जैसे ही हमारे इसमें प्रेशर स्विच में प्रेशर इंक्रीज बनता है तो ये ऐसे हट जाता है और ये क्या आगे कमांड देता है। जो प्रेशर स्विच होता है कमांड जनरेट करने के लिए होता है, ना कि प्रेशर को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। अधिकतर मैंने देखा है कि मेरे पास कंप्लेंट आती हैं कि जी हमने प्रेशर स्विच से पूरा प्रेशर बढ़ा लिया फिर भी प्रेशर हमारा नहीं बढ़ रहा। प्रेशर स्विच प्रेशर बढ़ाता नहीं है। हाँ, ये हो जाता है कि जो हम कमांड जनरेट कर रहे हैं और रिलीफ वाल्व से हमारा क्या कहें प्रेशर आ रहा है तो वहाँ तक ये क्या कहें ना कमांड जनरेट कर देगा। मान लो कि रिलीफ वाल्व हमने अपना 100 kg पे सेट कर रखा और इसको हमने 50 kg पे सेट कर रखा तो हम इसे 60 करेंगे तो कमांड जनरेट करेगा ये 60 kg पे। हम रिलीफ वाल्व हम इसको 70 करेंगे और मान लो कि हमने इसको 110 kg कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप ये देख रहे होंगे बारीक सा होल है। आप ये देख रहे हैं इसके अंदर बारीक सा होल है, यहाँ पे बारीक सा होल है। तो ये सब प्लेट वाला है, ये प्रेशर स्विच लाइन वाला भी आता है। सब प्लेट में क्या होता है कि ये 2 वोल्ट हमारे खिंच जाता है, ये बीच वाला सुराग हमारा यहाँ पे प्रेशर आ जाता है।
ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके अंदर ये इसका पिस्टन बोलते हैं हम इसको, पिस्टन कह लो या स्पूल कह लो। तो और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली पीछे से इसके अंदर काम करने के लिए पीछे से दिया हुआ है सुराख वगैरह करने के लिए, फिर इसको उन्होंने बंद कर दिया कंपनी ने। तो ये हमने इसके अंदर लगा लिया, प्रेशर स्विच का ये मतलब के प्रेशर पर कमांड देना, ये कमांड जनरेट करता है प्रेशर से हमारे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ को प्रेस करना होता और उसकी एक लिमिट होती है कि हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं करना, तो वहाँ पर हम प्रेशर स्विच लगाते हैं। ये हमारे मोटर को ऑफ कर देगा या हमारे वाल को कट ऑफ कर देगा, जो वाल हमारा डायरेक्शन वाल होता है, या कहीं कोई हमें इंडिकेटर जलाना हो इससे प्रेशर से इंडिकेटर जल जाएगा। इसका मेन मकसद होता है कमांड जनरेट करना। एक इसमें एन सी पॉइंट होता है और एक एनओ पॉइंट होता है। मान लो जब हमारा प्रेशर स्विच काम करेगा तो एक चीज़ क्लोज हो जाएगी और एक चीज़ ओपन हो जाएगी। तो चलिए इसको दोबारा फिट कर लेते हैं। ये बारीक वाला स्क्रू है इसका, ये इसका माइक्रो स्विच बाजार में आराम से मिल जाता है। मेरा तो कभी जरूरत पड़ती है तो मैं चावड़ी बाजार से ले लेता हूं इसको, सही काम कर रहा। चावड़ी बाजार में MCA के नाम से दुकान है एक, वहाँ से ले लेता हूँ कभी मुझे प्रेशर स्विच में दिक्कत पड़ती है तो। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब भी हम प्रेशर स्विच को खोलें या रिलीफ वाल्व को खोलें, उसमें ये होता है कि इसका जहाँ से हम प्रेशर को कम बढ़ती करते हैं उसको हमेशा एंटीक्लॉक करके ढीला कर लें, उसको टाइट रखोगे। मान लो जैसे मैं बोल्ट लगा रहा हूँ तो ये बोल्ट नहीं लगेंगे अगर तुम्हें पहले ये मेरा टाइट होता, और खोलते टाइम भी ये चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी इसकी। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।